नंदी मैं कुछ नई चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसकी हमें सजेस्ट करी थी गौरव भाई ने। मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा, डिजाइन कराइए रिबॉन क्लासिक के लिए। टूरिंग सीट पे जा रहा था तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ रही थी। सीट कवर ही ऐसा बना के दूंगा कि आप टूरिंग सीट भूल जाएंगे। रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं आप, इनकी वीडियोस देखते रहते हैं, कटिंग करवा के बनवाई है, बढ़िया से बढ़िया फोम है, इजिली आप लंबा ट्रैवल कर पाओगे। पहले ये खोलना पड़ेगा, फिर ये हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाके इस पर सीट कवर लगेगा। ये दो पेज यहाँ से ओपन हो जाएंगे और ये जो है दो पेज यहाँ से ओपन हो जाएंगे। तो इस पर भी देखिए दो दो कवर मैंने लगाया हुआ है। सो ये है कुछ अपना सीट कवर, फिलहाल इसको जल्दी से करते हैं इस पर इंस्टॉल। फाइनली पीछे के जो है सीट वो कम्प्लीटली फिट हो गई है। असली लुक तब आएगी जब फ्रंट सीट भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ इस तरह से जो गाड़ी की लुक आ रही है अभी, जो है सीट अच्छी भी लग रही है और कम्फर्टेबल भी लग रही है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई फ्रेश वीडियो में। और हम एक बार आज फिर से आ चुके हैं लक्ष्मी ऑटो केयर पर गौरव भाई के साथ। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अपनी नंदी में कुछ नई चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी हेडलाइट की वीडियो इंस्टॉल करते हुए दिखा चुका हूँ, और आज हम एक और नई चीज़ अपनी नंदी में इंस्टॉल करने वाले, जो कि हमें सजेस्ट करी थी गौरव भाई ने। मुझे उस चीज़ की नीड थी तो मैंने गौरव भाई के साथ डिस्कस किया। तो गौरव भाई ने कहा मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा कि आप लगा के खुश हो जाओगे। तो मैं चले आपको वो प्रोडक्ट पे दिखा देता हूँ और गौरव भाई से बात भी करवाते। तो हमारा प्रोडक्ट है ये सीट, जो गौरव भाई ने स्पेशली डिज़ाइन कराई है रिबॉन क्लासिक के लिए और ओल्ड क्लासिक के लिए भी। तो काफ़ी दिनों से मैं सीट लगाने की सोच रहा था, तो टूरिंग सीट पे जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ रही थी। तो गौरव भाई ने कहा मैं कि हम आपको सीट कवर ही ऐसा बना के दूंगा कि आप टूरिंग सीट भूल जाएंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और आपकी राइडिंग के लिए यूजफुल भी रहेगा। तो आगे बात करते हैं इसके गौरव भाई के लिए। तो रिकमेंडेशन है गौरव भाई की, नीड मेरी थी, तो अब इसके बारे में कुछ जानते हैं गौरव भाई के साथ। सो दोस्तों, जैसे कि इनकी नीड थी, ये रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं आप, इनकी वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो उनकी वीडियोज़ में अब जैसे लंबा जा रहे हैं हम, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कम्फर्ट भी चाहिए क्योंकि थकान हो जाती है बैठे बैठे। अब ये देखो, इसमें हमने फोम कटिंग करवा के बनवाई है, बढ़िया से बढ़िया फोम है। अगर आपको वीडियो में दिख पा रहा है कि ये देखो उसकी सॉफ्टनेस कैसी है, तो आप जब इसे बैठोगे तो आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा और इजीली आप लंबा ट्रैवल कर पाओगे। तो मेरे पास ये पहले से ही था प्लेन में, इनकी डिमांड पे हमने इसमें जो है ये बिडिंग लगवा के बनाया है। और इसकी खासियत ये है, ये वाटरप्रूफ भी है, जहाँ पे सिलाई नहीं है, देखो पानी कहीं भी नहीं रुकेगा, और यहाँ पे पूरी बिडिंग लगवा दी है। तो अब क्या है कि इसका पीछे का भी देखो आप, ये रिबॉन की सीट के हिसाब से बना है। अगर आपके पास ओल्ड क्लासिक है तो उसका भी हमारे पास सेम मिल जाएगा, और दो कलर में मिलेगा, ब्लैक भी है, कॉफ़ी भी है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको इनकी बाइक पे आपको लगाते हुए दिखाते हैं इसको कैसे फिट करना है, उसके बाद इनका रिव्यू भी जानेंगे जब ये ट्रिप से वापस आएंगे। उस पर एक और वीडियो बनेगी कि इनको कैसा लगा इसको यूज़ करके। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, गाड़ी जो है अपनी लग चुकी है ओपन होने के लिए। तो इसमें थोड़ा इशू ये आएगा, टाइम लगेगा, इशू तो नहीं कि पहले ये खोलना पड़ेगा, फिर ये हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाके इस पर सीट कवर लगेगा। तो तामझाम इसमें काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। फ्रंट में तो इजीली लग जाएगा, बस दो नट बोल्ट खोलने, पूरी बाहर आ जाएगी। लेकिन जो टाइम लगना है इस पर लगना है, पहले सैडल स्टे, टॉप रैक, ये सब खुलेगा, उसके बाद जाके जो है बैक सीट पर जो है हम कवर लगा पाएंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसको जल्दी से आपको। तो एक सीट तो अपनी ओपन हो चुकी है और जो मेन टाइम लगना है वो इसके अंदर लगना है। सो गाइस, इसका भी थोड़ा सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। ये पूरा सैडल स्टे नहीं हटाना पड़ेगा, ये दो पेच यहाँ से ओपन हो जाएंगे और ये जो है दो पेच यहाँ से ओपन हो जाएंगे, तो पूरा पीछे का जो है कैरियर ही हट जाएगा, और उसके बाद जो है हम सीट यहाँ इजीली लगा देंगे, तो सैडल स्टे ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा काम अब जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ टाइम तो यहाँ पर फिर भी लगने वाला है। तो गौरव भाई भी आ चुके हैं नीचे अपना शूट करने के लिए, तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं, फिर सीट कवर लगाते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू भी देंगे कुछ दिनों के बाद कि कितना वो कंफर्टेबल है और कितना वो कारगर भी है। खोलना है, इसे काटना नहीं, सिंपल है, ऊपर ओपन हो जाएगी वो। दूसरा वाला तो इस पर भी देखिए दो दो कवर मैंने लगाया हुआ है। ये भी मैंने गौरव भाई से लगाया हुआ था, उसके नीचे भी एक कवर है, वो भी शायद मैंने गौरव भाई से लगवाया है, या फिर वो ओरिजिनल जो मैंने आरी वाला लगवाया था वो है। तो इस पर भी दो दो कवर अभी लगे हुए हैं। जी हाँ, ये भी मैंने गौरव भाई से ही लगवाया था, तो इसी के ऊपर जो है कवर हम चढ़वा देंगे। सो देखिए भाई ने पीछे के ये रॉड्स तो ओपन कर दिए, बस अभी यहाँ वाले जो है दो पेच इधर से ओपन करने, और जो है अपना ये कैरियर है पूरा बाहर आ जाएगा,
तो फिर इजीली जो है इस पर सीट कवर लगा सकते हैं। मुझे पहले लग रहा था कि हमें कम्प्लीटली सडिस्ट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हमने थोड़ा सॉल्यूशन जो है ढूंढ लिया है। सो ये है कुछ अपना सीट कवर, पहले वाले से थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो ये देखिए, इसकी आप फोम की डेंसिटी देखिए और इसकी थिकनेस भी देखिए, पूरा एक इंच का इसमें फॉर्म लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ कि हाँ, मुझे टूरिंग में, लॉन्ग राइड्स में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज रिकमेंडेशन है गौरव भाई का। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आने वाली है, और जब पीछे का भी लग जाएगा तो प्रॉपर लुक तो आपको तभी आएगी, तभी पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इसको जल्दी से करते हैं इस पर इंस्टॉल। तो ये देखिए, कम्प्लीटली जो है सब कुछ इसका पीछे से ओपन कर दिया, पूरा बैकरेस्ट कैरियर सब कुछ ओपन हो गया, और अब सीट को निकालने का टाइम आ गया है। तो देखिए, मेरा सीट कवर भी जो है यहाँ से थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से भी चेंज किया। कुछ कंफर्टेबल मुझे नहीं लगते थे, पीछे की सीट कुछ ज़्यादा मुझे हार्ड लगती थी, तो उस वजह से भी इसको मैं चेंज करवा रहा हूँ। तो देखिए, सीट यहाँ पे लग चुकी है, कुछ इस तरह से लुक आ रहा। तो अभी तो आपको लुक समझ नहीं आएगा, जब फ्रंट सीट भी लग जाएगी तो उसके बाद जो है प्रॉपर लुक निकल के आएगा, जब ये पूरा तामझाम जो है इस पर दोबारा से ऐड हो जाएगा। तो अभी जो है, अभी तो देखने में सीट आपको अजीब सी लग रही होगी ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, कंफर्ट ये होने वाली है कम्फर्टेबल, और इसकी वजह से थोड़ी हाइट भी ऊँची हो जाएगी, जो कि मुझे वो भी चाहिए था, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे है, 800 mm इसकी सीट हाइट, और मुझे थोड़ी ऊंची हाइट भी चाहिए थी। तो वैसे तो थोड़े दिन में हम कुछ डेफिनेटली नया लेके आएंगे, तो वो इशू उसमें ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है थोड़ी बहुत जो हाइट है कुछ mm इसमें डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो ये सीट कवर चेंज करवाने का एक रीज़न और भी था, क्योंकि इस बार जो मैं राइड पे जा रहा हूँ पिलियन के साथ जा रहा हूँ, तो पिलियन के लिए जो है सीट कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग राइड पे अगर सीट भी कंफर्टेबल नहीं होगी तो बैठने में वो मज़ा नहीं आएगा, और जो है राइडिंग में जो और ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा स्टॉपेज लेने पड़ेंगे बार बार रुकने के लिए, अपनी बॉडी को कम्फर्ट करने के लिए। बट अब ये जो नई सीट लगी तो उससे अब इतना ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा हमें कम्फर्ट मिलेगा, तो अपनी जो राइड है और ज़्यादा आसान अब होने वाली है। तो सीट कवर तो लग चुका है, अब बस इसमें होल में दोबारा से इसका बैकरेस्ट लगा के और फिर से दोबारा कैरियर जो इंस्टॉल कर देते हैं, और जो ताम झाम है इसको दोबारा से इसमें लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से होल बना के सीट में पीछे जो है बैकरेस्ट लगेगा, जो इसमें जो पेच लगे हैं वो इस तरह से यहाँ पे लगाए जाएंगे, और यहाँ पहले बैकरेस्ट लगेगा, उसके बाद कैरियर लगेगा, फिर जो है रोड अटैच कर दिएंगे। तो और सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि सैडल स्टे मुझे जो है नहीं ओपन करने पड़े, और इसी तरह से जो है काम हो जाएगा। सो भाई को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है पीछे के ये पेच लगाने के लिए, क्योंकि लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पीछे पेच जो है चूड़ी में लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर खाली बैकरेस्ट होता तो इजीली हो जाता है, अभी ये पीछे कैरियर भी है, इसको एडजस्ट करना बैकरेस्ट के साथ तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बार बार जो है पेस स्लिप हो रहा है, तो इसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया है। खुलने में तो उतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन अब लगाने में जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लग रही है, और साथ ही साथ टाइम तो लग रहा है। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पसीने में मैं नहा चुका हूँ। तो दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड पिछले 15 मिनट की मेहनत के बाद, वो भी इस कड़कती धूप के अंदर, फाइनली पीछे के जो है सीट वो कम्प्लीटली फिट हो गई है, कैरियर लग गया है, बैकरेस्ट लग गया है, और पीछे अब ये नट जो है फाइनल कसे जा रहे हैं। तो काफ़ी देर से भाई ये लग रहे थे, तो नट लगने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था, तो 15 मिनट लग गए सीट को लगाने में, और फाइनली अब देखे ये लुक निकल के आ रही है। तो अब आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि पिछले बैकरेस्ट के साथ और कैरियर के साथ रियर सीट की लुक किस तरह से आ रही है, और असली लुक तब आएगी जब फ्रंट सीट भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। सो अब यहाँ पे फिट होने जा रही है फ्रंट सीट, तो डेफिनेटली इसको लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगने वाले, क्योंकि पीछे जो सीट ऑलरेडी लगी हुई है, पहले आगे जो है नक्का उसमें हुक में लगेगा, तब जाके सीट नीचे बैठेगी, और उस हुक को ही उसमें फंसाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे पता है, वो भी इतनी जल्दी आसानी से नहीं लगने वाला है। तो लेकिन जब एक बार लग जाएगा तो आप इसमें लुक एक बार चेकआउट करेगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, इसमें लुक से ज़्यादा मैटर करता है कम्फर्ट। तो जो जिस पर्पज़ के लिए लगवाई गई है ये सीट, वो है कम्फर्ट, तो लुक मुझे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी हाँ, लुक भी एक प्रायोरिटी है, कि लुक भी अच्छी आनी चाहिए, और कम्फर्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है।
तो कम्फर्ट आएगा तो डेफिनेटली जो एक सीट जो खुद ही पसंद आने वाली है। लेकिन फिर भी आप एक बार चेकआउट करके लर्निंग वाइज की लुक कैसे आती है और कम्फर्ट का, तो जो है मैं जो आपको रिव्यू कुछ टाइम बाद डेफिनेटली दूंगा जब मैं राइड से आ जाऊँगा, कुछ दिन जो इसको चलाऊँगा। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, पिछले 5 मिनट के एफर्ट के बाद जो सीट है वो इंस्टॉल हो गई। अब नीचे जो है ये दो पेच लगा जाएंगे जिसके ऊपर ये सीट बैठती है, और उसके बाद जो है अपनी गाड़ी जाएगी गुड टू गो और अपनी सीट जो है कम्प्लीट यहाँ फिट हो जाएगी। सिर्फ नीचे ये दो पेच लगने और उसके बाद जो है सीट यहाँ पे फिट हो जाएगी कम्प्लीटली। सो भाई जो है यहाँ पे जो दो पेच है इसको टाइट कर देंगे और जो अपनी सीट है वो कम्प्लीटली फिट हो जाएगी। तो दो पेच इधर से लगने हैं और ये जो दो रोड है यहाँ से फिट होती, एक यहाँ से फिट होती एक ये और एक इसके अंदर से, उसके बाद जो सीट अपनी कम्प्लीटली फिट हो जाएगी। सो गाइस एक बार चेकआउट करेगा दोनों सीट जो है कम्प्लीटली फिट हो गए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी भाई को सीट फिट करने के लिए। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है, मैं आपको एक बार सामने से भी दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से जो गाड़ी की लुक आ रही है, तो मुझे तो अच्छी लग रही है, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन जो इसका मेजर पर्पज़ था मेरा वो इसका था कम्फर्ट, जो इसमें 1 इंच का जो फॉर्म लगा है तो लॉन्ग राइड में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो किस तरह से बिहेव करता है, क्या इससे आउटपुट होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो है सीट अच्छी भी लग रही है और कम्फर्टेबल भी लग रही है। सो गाइस बहुत धूप थी नीचे, हालत ख़राब हो गई वीडियो शूट करने में, ऊपर आए तो थोड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे एसी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैंने इस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली आपको प्रोसेस दिखा दिया सीट लगते हुए, कैसी लुक आ रही है वो भी मैं आपको दिखा दिया। वैसे इस सीट की प्रायोरिटी पहले कम्फर्टेबल है और लुक तो सेकंड प्रायोरिटी मेरे लिए, क्योंकि जिस वजह से इसको लगवाया वो है मेन कम्फर्ट। तो कम्फर्ट आना चाहिए, लुक अगर कम्फर्ट आएगा तो डेफिनेटली सीट अपने आप मुझे अच्छी लगने लग जाएगी। हाँ जी, तो गौरव भाई सीट तो लगा दी, अच्छी भी लग रही है, तो ऑब्वियसली काफ़ी अब सबको ये जानने की ज़रूरत होगी और जानना भी चाहते होंगे कि क्या प्राइस रहेगा और किस तरह से ये उनको मिल सकती है। तो इसकी जो कॉस्टिंग रखी है हमने 800 रुपये के आसपास रखी है, 800 रुपये एग्जैक्ट इस सीट कवर का रेट है, क्योंकि इसमें जो कपड़ा लगा है और जो फोम लगी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगी है, तो इसका रेट 800 रुपये रखा गया है। बाकी तो और किस किस मॉडल के लिए अवेलेबल थी ये, पुरानी क्लासिक के लिए भी मिल जाएगी आपको और नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक के लिए भी मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जब मैंने इसकी पोस्ट डाली तो थंडरबर्ड के लिए भी ऑर्डर आ गया है, थंडरबर्ड के लिए भी ऑर्डर पे बन जाएगी। हमारे पास अभी क्लासिक के लिए ही है, अगर आपके पास थंडरबर्ड है या मिटियोर है तो उसकी भी ऑन ऑर्डर बन जाएगी, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। बिल्कुल, तो किसी अदर मॉडल के लिए आपको चाहिए तो आप गौरव भाई से बात कर लीजिएगा, ऑन ऑर्डर अगर वो बनवा सकते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली वो बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इनके लिए ही बनवाई थी ये फोम वाला तो मैं रखता था, लेकिन ये स्ट्राइप्स वाला इन्होंने बोला कि मेरे लिए बनवा दो रिबॉन में, मेरे पास क्लासिक की थी तो रिबॉन में बनवाई इन्हीं के लिए गई है। तो अब एक पीस तो बनता नहीं है भाई, तो ज़्यादा पीस बनवाए, पोस्ट डाली तो ऑर्डर भी आने लग गए, इनफैक्ट ये आज आए हैं, साथ साथ दूसरा वाला पैक भी हो गया, तो थैंक्स टू हिम ऑल्सो, इन्हीं के कहने पे आया और एक एडिशन हो गई स्टॉक में। इन्होंने मेरे को प्लेन दिखाया था, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने गौरव भाई से कहा मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो भाई बोले डेफिनेटली मैं ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करूँगा इसको बनवाने की। जब आउटपुट सामने है तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में भी, और कपड़ा तो अच्छा है लेकिन लगने के बाद जो लुक आई है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जेन्युइन सीट कवर होता है, बिल्कुल उस तरह से उसकी लुक आ रही है। तो दोस्तों यही सब कुछ था आज की वीडियो में, तो आज की वीडियो में जो काम हुआ सब मैंने आपको देखा था। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करेगा अगर यहाँ तक देखिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, क्योंकि इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट मैं गौरव भाई के साथ मिलकर और आप लोगों को और भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं अपने चैनल पर रेगुलरली दिखाते रहता हूं। तो मेक श्योर चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करवाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से काफ़ी जल्दी अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।